अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर कोई अपडेट नहीं दे रहा आपको मैं। आज की इस वीडियो के अंदर, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर आपको कुछ टिप्स दी थी, आज की वीडियो में वैसा ही कुछ मैं अमल आपके साथ करने लगा हूँ कि मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगा, कुछ गाइड करूँगा कि कैसे आप लोगों ने एक पेपर को प्रेजेंट करना है। ठीक है, मैंने आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे एक बड़ा ही शानदार किस्म का एक पेपर मैं आपके लिए डिस्प्ले कर रहा हूँ, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो बच्चा जिसने ये पेपर हल किया हुआ है उसने बड़े ही महारत के साथ अपने पेपर को प्रेजेंट किया है। देखो, मैं आपको बताऊँ कि जो पेपर प्रेजेंटेशन है ना, ये आपके मार्क्स इवन के 10 to 15 बढ़ा सकता है। और अगर आपकी बुरी प्रेजेंटेशन है, आपने बिल्कुल सही तरीके से अपना जो पेपर है वो अटेम्प्ट किया, ठीक है, यानी आपके सारे के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन पेपर प्रेजेंटेशन नहीं है उसके अंदर, तो आपको बता रहा हूँ कि वो आपके मार्क्स डिटेक्ट करवा देगा, कम करवा देगा। ठीक है, इतनी इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है ये जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आपने करना क्या होता है बेसिकली तौर पे, एक तो ये कि आप लोगों की जो हैंड राइटिंग है वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो, जब एक पेपर जो है किसी पेपर चेकर के पास जाता है, ठीक है, तो जो पहला इम्पैक्ट उसके ऊपर होता है, ठीक है, आपका जो कहने के उसके जहन में एक तस्वूर पैदा होता है कि पढ़ने वाला बच्चा है या नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी हैंड राइटिंग के थ्रू उसके जहन पर असर होता है। दूसरा ये कि आपने जितनी खुशखत लिखा होता है, ठीक है, यानी कि जितना आपने प्रेजेंट किया होता है अपने डाटा को, ठीक हो गया, यानी आपने ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि आपकी हैंड राइटिंग बेहतर हो जाए। यानी आपके पास इस वक्त टाइम है, थोड़ा बहुत आप लोग अगर प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, और उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर लें, कुछ जो है वर्ड्स को थोड़ा जो है क्या कहते हैं ना, अच्छा करके लिखना शुरू कर दें, गैप दे के, ठीक है, बड़ा करके लिखना शुरू कर दें, तो समहाउ आप कह सकते हैं कि उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा आपकी हैंड राइटिंग के ऊपर भी, और दूसरा ये कि आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर भी। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं कि पिछले डिस्प्ले में जो हमारे पास इस वक्त पेपर जो है आपके सामने आ रहा है, उसमें उसने उस बच्चे ने बड़े क्लियरली तौर पे हर एक सेंटेंस मेंशन किया हुआ है, हर एक वर्ड सेपरेट नजर आ रहा है आपको, उसको आप बिल्कुल देख पा रहे हैं, और हर एक वर्ड का मीनिंग खुद ब खुद आपके सामने आ रहा है, जिस तरीके से उसने प्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, जिस तरीके से उसने क्लोजिंग की है अपने क्वेश्चन की, जिस तरीके से उसने स्टार्ट किया अपने एक नए क्वेश्चन का, वो रिमार्केबल है। ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश यही करनी है कि आप अपने जो पेपर है, ठीक है, उसको प्रेजेंटेबल बनाएं, उसको इस तरीके से लेके चले, ठीक है, कि जिसके अंदर आप कह लें कि जो टीचर देखने वाला है उसके जहन में एकदम से जब वो देखे आपके पेपर, तो उसके जहन में आ जाए कि ये वाकई बच्चा पढ़ने वाला है, इसके पास नॉलेज होगा, नॉलेज होगा तभी उसने जो है ये पेपर हल किया हुआ है और इतने खूबसूरती से जो है इस पेपर को कंप्लीट आउट किया हुआ है। ठीक है, आपने करना क्या होता है, करना ये होता है कि आप लोग हेडिंग लिखें, ठीक है, तो उस हेडिंग को आपने नीचे जो है वो क्या कहते हैं उसे मार्कर के थ्रू थोड़ा सा बोल्ड कर देना होता है, ताकि ये हेडिंग जो है थोड़ी एविडेंट हो जाए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई चीज़ नई स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि उसके लिए आपको फिर पैराग्राफ जब नया स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बहुत आपको पहली लाइन में गैप दे के फिर स्टार्ट करना होता है, मिडिल में राइट करना होता है, ठीक है, और एक लाइन के अंदर स्मूथनेस होनी चाहिए, यानी लाइन के अंदर ही वर्ड्स एक ही पोजिशन पर हों, ऊपर नीचे ना हो। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है, और गैप होना चाहिए भाई हर एक लाइन के दरमियान, ये ना हो कि आप बिल्कुल मर्ज कर दें जिससे कि प्रॉब्लम हो एक पढ़ने वाले को कि भाई क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपके जो भी चीज़ मटेरियल मेंशन की हो आपने किसी क्वेश्चन के आंसर के अंदर, बड़ी एविडेंट होनी चाहिए, बहुत ख्याल से आपने उसको मेंशन करना है, प्रेजेंटेशन बड़ी कमाल होनी चाहिए, और इस तरीके से आप लोग आप अपने टोटल मार्क्स के अंदर जो है ऑलमोस्ट 20 to 15 मार्क्स जो है उसका, यानी 20 to 25 मार्क्स इवन जो है उसका इजाफा कर सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश आपने करनी है कि आपकी पेपर प्रेजेंटेशन बेहतर हो, कमाल हो, कि जिसके थ्रू आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे आ जाएं। थैंक यू सो मच।